गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनिता राजपूत। बच्चों, आप भी चिड़ियाघर गए हो? चिड़ियाघर में क्या होता है? देखा है चिड़ियाघर कभी आपने? कि चिड़ियाघर में पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, सब अलग अलग होते हैं ना। बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणियों वहाँ पर होते हैं, पिंजरे में बंद होते हैं। देखे हुए ना आपने? यस। कहाँ पर देखे, कहाँ पर गए हो, पता है आपको कि आपने कहाँ पर देखा है कभी चिड़ियाघर? तो बच्चों, आप हमारे गुजरात में अहमदाबाद में गए होंगे, है ना? यस। तो आज का हमारा चैप्टर भी यही है, चिड़ियाघर की सैर, पार्ट 5। क्या पढ़ने वाले हैं हम? चिड़ियाघर की सैर, है ना? तो चलो हम शुरू करते हैं। क्या है हमारे चैप्टर बच्चों? तो देखो, ये हमारी किताब का पेज नंबर 28 है ना। क्या लिखा गया है? चिड़ियाघर की सैर, मतलब चिड़ियाघर में घूमना। आप भी कभी गए हो ना? ऐसे ही देखो, ये भी गया हो तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं ना बच्चों, तो आप भी ध्यान रखना मैं कहाँ पर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है, इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। इसमें चिड़ियाघर के कुछ जानवर के बारे में बताया गया है। चलो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कौन से जानवर के बारे में बताया गया है। कलगीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई। कौन गई? गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई? चिड़ियाघर गई। उसने देखा कि ये क्या है? शेर। शेर पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर का पिंजरा था ना, उसके पास बहुत भीड़ थी। क्यों थी? क्योंकि सब पिंजरे में किसको देख रहे थे? शेर को देख रहे थे। शेर गरजा तो तब सब डर कर पीछे हट गए। और शेर ने क्या किया? जैसे गरजा तो वो सब पीछे डर से पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। क्या था? बंदर क्या खाता है? मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है। किसको बताएं? दादाजी ने गीता को कहा कि देखो वहाँ पर क्या लिखा गया है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना हमको नहीं देना है, वो तो चिड़ियाघर वाले देंगे। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए, काले मुँह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर लंगूर का मुँह काला होता है। क्या बोले? कि बेटा बंदर है पर वो लंगूर है। लंगूर का मुँह कैसा होता है? काला होता है। काला मुँह का बंदर, लंगूर का मुँह काला होता है। फिर देखो, एक जगह गेंडा, देखो ये क्या बेटा, गेंडा दिखाई दिया जिसका नाक बड़ा सा, नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराप, इसको क्या बोलेंगे? जिराप धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ ये कौन है? भालू। भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी क्या ये मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। क्या बोला उसने? कि दादाजी देखो इधर आओ, ये क्या पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह क्या ये कछुआ, कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वो अपने गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेते हैं। तो बच्चों, ये कछुए के ऊपर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? खोल बोलते हैं। तो उसको कोई टच करता है या उसको ऐसा लगता है कोई मुझे मारेगा तो वो अपने गर्दन और पैरों को अंदर छिपा लेता है, क्योंकि उसकी ऊपर की खोल होती है वो उसका रक्षक है। मतलब वो उसके खोल पत्थर की तरह होती है, इस पर लगती नहीं है, खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़ कर आई, आगे गई। एक बड़े तालाब में क्या ये मगर तैर रहा था। जैसे एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। उसको डर लगा तो उसने क्या अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़ियाएँ थी। देखो एक चिड़ी नहीं, बहुत सारी इसलिए चिड़ियाएँ थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल, मतलब तोता को क्या बोलते हैं? हरियल। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो
वह सफ़ेद वाला विदेशी शुतुरमुर्ग, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये सफ़ेद शुतुरमुर्ग है, इसे कातुआ कहते हैं, इसे कातुआ भी कहा जाता है, सॉरी ये कातुआ है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे देखो ये चिड़िया, पिछले साल पिकनिक पर हम बाग में नाचता हुआ भी देखा, मोर, क्या नाचता हुआ, मोर भी देखा। दादाजी ने गीता को बताया सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है, शुतुरमुर्ग होता है, पेड़ की छाया में खड़ा रहता है, वह देखो वह पेड़ की छाया में खड़ा है। तो बच्चों ये हमारा चिड़ियाघर की शेर के क्या है, ये हमारा चिड़ियाघर का पाठ हमने पढ़ा ना, वो है देखो आगे भी है, चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं, सामने आइसक्रीम बैग ठेला था, दादाजी ने छड़ी दिखाई टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे, वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। ओके, ये हमारा क्या था, चिड़ियाघर की से। अब देखो बच्चों शब्दार्थ आए हैं इसमें, चिड़ियाघर मतलब यह वह जंगल जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं चिड़ियाघर। बाड़ा, घिरा हुआ स्थान, खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती, ओ हरियल हरे रंग वाला तोता। अब देखो बच्चों ऊंची आवाज में पढ़ो, किसको बोलना है, देखो ये रक्षक रक्षा पक्षी, त्र का पत्र नेत्र पुत्र, ज्ञ आज्ञा ज्ञान प्रज्ञा, श्रम परिश्रम विश्राम। फिर देखो इसमें आधा क और आधा क और पूरा ख, तो क्या बना, मक्खन मक्खी, इसमें देखो मच्छर मगरमच्छ, चिट्ठी और गट्ठर, ऐसे शब्द है जिसको आपको बोलने पर बोलना है। फिर देखो बच्चे इसमें निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे, तो पढ़ना है इसमें होगा क्या लिखा गया, अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को एक मिनट में औसतन एक से दो बार झपकाते, कितनी बार, छोटे बच्चे एक से दो बार एक मिनट में, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर का एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान दो ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है, हमारे आँख और नाक का आकार जीवन काल तक बढ़ता रहता है। छोटे बच्चे और वयस्कों के पलके झपकने में क्या अंतर है, तो देखो बच्चों हमने पढ़ा था ना, छोटे बच्चे एक मिनट में कितनी बार, एक से दो बार, वयस्क करीब 10 होती, यही संख्या कितनी होती है, हम एक मिनट में एक से दो बार छोटे बच्चे झपकाते हैं और बड़े होते हैं वो एक मिनट में 10 बार। हमारे से कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं, खाना पचाने में, हमने पढ़ा ना। शरीर के ऐसे कौन से दो अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं, आँख और नाक। ओके, तो बच्चों अब हम क्या पढ़ते हैं, हमारे ये बच्चों ओनली पर देखने का है मतलब समझने का है, अब ये प्रश्न उत्तर है स्वाध्याय वाले जिसके हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। बच्चों देखो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, हमारे यहाँ पर कहा गया है चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे, तो हमने पढ़ा कौन कौन आए थे, तो देखो बच्चों चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे, क्या लिखोगे आप, तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। ओके, फिर देखो दूसरा प्रश्न, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, तो हमने पढ़ा था ना बंदर को लोग मूँगफली और केले खिला रहे थे। फिर देखो आगे, लंगूर का मुंह कैसा होता है, तो बच्चों लंगूर का मुंह काला होता है। ओके, लंगूर का मुंह कैसा होता है। फिर देखो फोर्थ में क्या लिखा गया है, तालाब में क्या था, तो बच्चों इसका उत्तर है तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी, क्या था, तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख। गीता ने किसे पत्थर बताया, तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया, क्यों, उसके ऊपर का जो खोल होता है वो कैसा लगता है, पत्थर की तरह लगता है।
कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक उसका आवरण है, मतलब उसका ऊपर का जो होता है ना, वो कछुए के रक्षक होता है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखो बच्चों, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। क्या था विदेशी पक्षी का नाम? कातुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा था ना, सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है। फिर बच्चों देखो प्रश्न दो, उदाहरण के आधार पर रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे तालाब में खाली जगह नहा रहा है तो कौन? हाथी नहा रहा है। देखो यहाँ पर हाथी नहा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? तालाब में हथिनी नहा रही है। देखो दूसरा, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है तो क्या है? जंगल में मोर नाच रहा है। हमने इसमें क्या किया? लिंग चेंज किया हुआ है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, आप अपनी किताब में देखो, दिख रहा है आपको चित्र? तो देखो चित्र में क्या दिया गया? जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना? पेड़ बहुत सारे हैं, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है, पानी बह रहा है डूंगर नीचे। उसके एक किनारे पर लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरण पानी पी रहे हैं, दिख रहा है चित्र में? बतख पानी में तैर रही है और जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है ना? तो बच्चे ये हमें चित्र का वर्णन किया हुआ है। देखो बच्चों, मैं पहला प्रश्न, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो खाली जगह जोर से गर्जा, कौन? शेर। चिड़ियाघर में एक सिंह वाला क्या था? तो क्या था चिड़ियाघर में एक सिंह वाला? गेंडा। वो तालाब में तैर रही थी, कौन? बतख। तालाब में बतख तैर रही थी। फिर हरियल टेटे करता है, कौन? हरियल तोता टेटे करता है। तो बच्चे इतने हमने प्रश्न उत्तर पढ़े। वो जो पीछे आपको दिए गए ना चित्र पहचान कर आयत में उसका हिंदी में नाम ढूंढ कर लिखना है, तो बच्चे वो आपको अपने अनुसार लिखना है। करोगे ना आप इतना? ओके बच्चों, तो वीडियो देखना और वीडियो को अपने जो किताब में दिए गए खाली जगह वो किताब में लिख देना। और स्वाध्याय वाले प्रश्न उत्तर है जो मैं इसकी PDF भेजूंगी, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय बाय।